याद करता हूं विजय, जब याद करता हूं शहादत याद आती है। विजय जब याद करता हूं शहादत याद आती है। तनाह वक्ष चाहे यार, तनाह वक्ष चाहे यार, पुतली भीग जाती है। तनाह वक्ष चाहे यार, पुतली भीग जाती है। तनाह वक्ष चाहे यार, पुतली भीग जाती है। शहीदों शूरवीरों की शहादत याद आती है। गजब क्या लोग थे वो बादशाहत याद आती है। लुटा दी जान तक अपनी जिन्होंने देश की खातिर, वतन से उन जवानों की मोहब्बत याद आती है। वतन से उन स्वर्णिम विजय दिवस समारोह में शहीदों की शहादत को याद किया। सन 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज जिला कलेक्टर परिसर में जिला स्तरीय स्वर्णिम विजय दिवस समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, कनील रमेश चंद्र लड्ढा सहित अन्य मंचासीन अतिथियों द्वारा भारत पाक युद्ध 1971 में जिले के शहीद हुए बदनोर तहसील के पाटण गांव के राइफलमैन गिरधर सिंह और हमीरगढ़ तहसील के पीपली गांव के हवलदार तेज सिंह के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पण कर युद्ध में जिले में भाग लेने वाले सैनिक शहीदों की वीरांगनाओं एवं परिवार वालों का शोल उड़ाकर और माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कवि योगेंद्र शर्मा की वीर रस की कविता ने सभा में जान ही डाल दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नकाते ने कहा, शहीदों की शहादत को सदैव याद रखना और सम्मान देना ही वीर सपूतों की सच्ची श्रद्धांजलि है। पुलिस अधीक्षक सिद्धू ने कहा, युद्ध के दौरान देश की रक्षा हेतु प्राणों को न्यौछावर करने वाले सैनिकों के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एन के राजोरा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उदय सिंह सोलंकी सहित शहीदों की वीरांगनाएं, परिवारजन और अन्य आमजन मौजूद थे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। स्वर्णिम जयंती के लिए मैं अपनी तरफ से सभी शहीदों को नमन करता हूं। मेरी जिला प्रशासन से ये मांग है कि जब भी कभी सैनिक आपके दफ्तर में उपस्थित हों तो आपसे अनुरोध है कि आप उसको पूर्ण सम्मान दें और उसकी समस्याओं का समाधान करें। जय हिंद, मेरी इतनी ही कामना है। 16 दिसंबर 1971 में, आज के ही दिन 1971 में भारत देश ने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त करके एक बांग्लादेश का नया राष्ट्र निर्माण किया गया। इस उपलक्ष्य में, उस दिवस में और उस युद्ध में हमारे ज़िले से जिन लोगों की शहादत हुई थी उन शहादतों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान हमने किया आज। और आज ये दिन याद करने का है कि इस दिन पाकिस्तान की जनरल द्वारा 100,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया गया था। तो ये ऐसे हमारे वीर जवानों का जो अदम्य पराक्रम है, साहस है, उसको याद करने का ये आज का दिवस है। और साथ ही हमारे शहीदों को और उनके परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना व्यक्त करने का आज का ये दिन है, इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। मैंने यही कहा कि आज हमें सैनिकों के प्रति, चाहे वो अभी जवान हैं सैनिक में आर्मी में, चाहे वो रिटायर्ड हो, उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव, संवेदना का भाव हमेशा रखना चाहिए। और एक अच्छा नागरिक का कर्तव्य भी जो हमें निभाते रहना चाहिए और हमारे भारत माता की सेवा करने के लिए हर तरीके से जो कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं उसको देना चाहिए। थैंक यू। स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ उपस्थित हुए थे। 1971 की जो जंग थी उसमें भारत को विजय प्राप्त हुई, उसका स्वर्णिम दिवस आज है। उसमें शहीद हुए जवान, अधिकारीगण और उनके परिवार वाले, इन लोगों ने बलिदान दिया जिस वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। उनको याद किया गया, उनको नमन किया गया और उसी से सीख लेते हुए अपने इस देश को आगे कैसे अग्रणी देश के रूप में हम आगे ले जाए उसका संकल्प किया गया है। इस स्वर्णिम दिवस के अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों द्वारा भी बूथ के अंदर कंधे से कंधा मिलाते हुए बलिदान दिया गया, बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे सेवाएं दी गई, उनको भी हमने याद किया। धन्यवाद। जय सर। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सैनिक है भारत की सीमा पर सेवाएं दे रहे हैं, कई परिवार के साथ प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे में आपके द्वारा क्या विजन लिया जाएगा जिससे कोई भी प्रताड़ित की घटना आ जाती है?
तो उस पर विराम लग सके। जी बिल्कुल, हमारे जाजपुर क्षेत्र से काफ़ी संख्या में सैनिक मौज में हैं। जैसे ही हमारे को कोई सूचना मिलती है किसी भी सैनिक भाई की तरफ से, अधिकारी की तरफ से, तभी कार्रवाई उस पर की जाती है। सैनिक बोर्ड भी हर जिले में गठन किया गया है और उसका मकसद यही है कि हमारे जो फौज में सिपाही हैं, फौज में नेवी एयरफोर्स के अंदर, उनको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आए। यदि आए तो उचित माध्यम से हमारे पास वो जैसे ही पहुंचता है हम तत्काल कार्रवाई करते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारे सैनिकों को जो आगे फ्रंट पे काम कर रहे हैं, अपने बलिदान दे रहे हैं, अपना सेवाएँ दे रहे हैं, उनको बिल्कुल डरने की या व्यथित होने की जरूरत नहीं है। अब उन्हीं के लिए हैं, समस्या आती है तो हम तत्परता से उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ रास्ता